नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव महस में नशे की वजह से एक नौजवान की हुई मौत। पारिवारिक सदस्यों ने नशे को रोकने के लिए सरकार से लगाई गुहार। बठिंडा के ढोबियाना बस्ती में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का मिला शव, एक सिरिंज हुई बरामद। होशियारपुर के गांव हरसी के एक परिवार को अमेरिका में कुछ लोगों द्वारा किया गया था अगवा। बच्ची सहित चारों सदस्यों की हुई मौत। और अब हलचल विस्तार से। जहां पूरे देश भर में लोग दशहरे का त्योहार मना रहे थे और रावण दहन को लेकर लोग खुशी मना रहे थे, तो वहीं नाभा ब्लॉक के गांव महेश का एक 18 वर्षीय नौजवान गुरबख्शीश सिंह को रावण रूपी नशे के राक्षस ने निगल लिया। मृतक नौजवान के पारिवारिक सदस्यों का कहना था कि गुरबख्शीश सिंह नशे का सेवन करता था। अगले माह उसने अपने पिता के पास इटली जाना था। इस मौके मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि उन्हें तो गांव के नौजवान ने ही इस बारे में बताया कि उनके बेटे की कार के अंदर ही मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके गाँव में नशे का पूरा बोलबाला है। उनके गाँव के लगभग 50 नौजवान नशे के आदि हैं और कई नौजवान नशे छोड़ाऊ केंद्र में भी भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि नशे के को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो नौजवान पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मेरा बेटा, मेरे बेटे नु किसी ने कोई चीज खवाई है, गड्डी च ठकिया कीता है, मेरे पुत्र नाले बाल खिलरे पे सी मेरे पुत्र दे गड्डी च। मेरे बेटे नु पता ही नहीं की दिता, मेरा बेटा नीला हो गया। मेनु पता ही नहीं मेरे पुत्र नु की किसी ने खवा दिता है। आए आए असी मांगे ही करते हैं, जिन्हें मेरे पुत्र ने नशा दिता या कुछ दिता है ओते कानूनी कार्रवाई की जावे। बठिंडा के धोबियाना बस्ती के मेन चौक में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इस शव के पास एक सिरिंज भी बरामद हुई है, जिसे देखकर पता चलता है कि उक्त व्यक्ति की मौत नशे की ओवरडोज की वजह से हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक की बाजू पर इंजेक्शन लगने के कारण वहां से खून निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। वहीं सहारा वर्करों की ओर से शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस दौरान धोबियाना बस्ती के लोगों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नशा बेचने वालों को पकड़ने की मांग की। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, की नाम है तुम्हारा, की मांग है? मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं सहारा जन से वर्कर हूँ। असन सहारा कंट्रोल रूम नंबर 98140-74-074 से कॉल आई थी कि बठिंडा धोबियाने टी पॉइंट से एक मुंडा पै गया। साड़ी सारी टीम मौके पर आके देखा, जो कि पहले ही 108 एम्बूलेंस खड़ी थी, जो कि यदि मौके पर ही मौत हुई पी थी। बाकी सरकारी अस्पताल लैके आ रहे हैं, यदि अज तक शिनाख्त नहीं हो सकी। ये बाह से निशान लगे लग रहे लोगों का कहने मुताबिक, कहते इन्हें इंजेक्शन वगैरह लाया हुआ। मेरा मुंडा खुद नशे करता, पट्टा का पट्टा पै सारा नशे करके टीके ला ला के दस हस्पताल, ना मेरे को पैसा कोई, ना दवाई दवा। कल मुंडा मर जूगा, मेरा मर जूगा, इतने बेचना होंगे की जाऊगा? पिंजरा बेचना होंगे, कुछ जाना कुछ जाना चिट्टे है मुंडा तो अज मरना हो, ना कोई एक रुपया नहीं है। इतने चिट्टा ला ला के टीके ला ला के मुंडे ने नाश कर लिया। की पता कदों मर जाए, जब लोगों ने मरी जाने मेरे भी नाल मरूगा। की पता कितों लेके आंदे ने, इतने बेच देंगे चिट्टे बेच नूं, जिहड़े बेच देण उत्थों लेके आंदा। जिला होशियारपुर के गांव हरसी के परिवार को गत दिनों अमेरिका में अगवा कर लिया गया था, जिसकी दुखदायी खबर सामने आई है, जिसमें चार पारिवारिक सदस्यों की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक सदस्यों में 2 साल की बच्ची की भूख के कारण मौत हुई है, जबकि बाकी 3 पारिवारिक सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।
जिनके शव कैलिफोर्निया में बादामों के बाग में से मिले हैं। जैसे ही ये जानकारी गांव हरसी में पहुंची तो गांव और इलाका निवासियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं प्रत्येक व्यक्ति की ओर से इस घटना की निंदा की जा रही है और अमेरिका पुलिस से दोषी को जल्द से जल्द काबू कर सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। इस दौरान गांव वासियों का कहना है कि उक्त परिवार बहुत मेल मिलाप वाले स्वभाव का परिवार था। ये परिवार गांव में सभी के साथ अक्सर प्यार और मिलजुल कर रहता था। होशियारपुर से कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हर कि मेहनसार जिन्हें दिन रहे हर कि मिलते रहे बहुत प्यारी चीज़ सी। क्या जो बाप से सूबेदार मेजर रिटायर हुए थे अपने एम सी डिपार्टमेंट चो डॉक्टरी डिपार्टमेंट चो और ये भी डॉक्टरी से अपने रिटायर होने के बाद फिर अपने अमरीका चल गए बच्चों हम थोड़े दिन ही आए हैं उसके तो मगर वह भाणा बापर गया जो कि बहुत दुखदाई है सह नहीं सकता कहने तो बड़ी गल् करते जी परमात्मा इन्हों बल बख्शे कितना प्रबल बख्शो आज बचे की बचे अठ महीने की बची जी जिन्हें इदा की वारदात हुई आरिंदा कुछ तरस नहीं आया उन्होंने बच्चे नहीं सके बहुत दुख की गल बहुत सुख का माहौल जिदा पिंड उजड़ गया हों तो पिंड कोई नहीं रहा इस तरह का माहौल बनया। और ये सवेरे जसदीप की वाइफ ओरी अठ महीनों की लड़की भी तै गए कि जसदीप दे मम्मी डैडी इंडिया आए हुए थे इस करके वो ऑफिस ही लै गए क्योंकि वह भी ऑफिस के काम करती सी तो ये बाहर जो बंदा सगा बहर इदा लगता जिदा बोतल कट्ठिया जड़िया खाली हुई वह करने आया आप ही मेरे ख्याल जसदीप ने ही बहरों उन्होंने अंदर लैके आया भी साढ़े भी खाली बोतल अंदर पोक दियाँ वगैरह भी वह कट्ठिया कर लन पर पता से बेचारे कि मौत ही फिरती है साड़ी इतने तो उन्हें अंदर आके पहले तो दोनों भरावान को बनिया पिंडे तो बाद दे जसदीप छोटी बेटी जसलीन की बेटी जसलीन तो जसलीन की बेटी जी अठा महीनों की सी उन्होंने बाद च लैके गया तो अज सवेरे पता लगे कि उन्होंने जिहड़ी आ गोलियां मार दी। दोहरे संविधान को लेकर विवादों में घिरे बादल परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। होशियारपुर की अदालत द्वारा बादलों को एक बार फिर से झटका दिया गया। दरअसल धोखाधड़ी मामले को लेकर बादलों के खिलाफ होशियारपुर की अदालत में वर्ष 2009 में सोशलिस्ट पार्टी के नेता जसवंत सिंह खेड़ा द्वारा केस किया गया था जो कि अभी तक लगातार चल रहा है और गत समय के दौरान कई बार सुखबीर सिंह बादल पेशी भुगतने भी यहां आ चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल द्वारा होशियारपुर की अदालत में एक पटिशन दायर की गई थी कि होशियारपुर में पार्टी का कोई भी कार्यालय नहीं है इसलिए केस यहां ना चलाया जाए और इसे बंद कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद अदालत ने इस पटिशन को खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता पक्ष के वकील एडवोकेट बीएस रियार द्वारा दी गई। इस मामले पर बोलते हुए शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने कहा कि बादलों की ओर से जो धोखाधड़ी की गई है उसकी इन्हें सजा जरूर मिलेगी और ये जेल भी जरूर जाएंगे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। वैसे तो काफ़ी लेट दी गवाही शुरू हो गई सी उस वेले साढ़े गवाह भी आए हुए सन तो इन्होंने एक एप्लीकेशन देती कि जी होशियारपुर कोर्ट है इतने सुनवाई नहीं हो सकती अख्तियार नहीं है कोर्ट को क्योंकि वो लिखा सी कि साडा पहला अमृतसर दफ्तर हों हूँ चंडीगढ़ चला गया होशियारपुर साडा कोई ऑफिस नहीं होशियारपुर कोई जुर्म नहीं होया तो होशियारपुर केस नहीं चल सकता ये नहीं सी लिखा कि कितने चल सकता ये लिखा सी कि क्योंकि इतने चल नहीं सकता इस करके इन बंद किया जाए केस की सुनवाई इतने ना की जाए खारिज कर दिता जाए वो जवाब दिता असी बहस हुई एक दो डेटा पैन तो बाद कल ऑर्डर होया वो जी एप्लीकेशन सी उन्होंने कल जज साहब ने खारिज कर दी लेटेस्ट पोजीशन यह है कि केस इतने ही चलेगा। रियाड़ साहब पिछले कितने लंबे समय तो जो केस है होशियारपुर की अदालत में चल रहा है बहुत देर का चल रहा है। पंजाब में जब से वारिस पंजाब के प्रधान अमृतपाल पहुंचे हैं
उसके बाद से लगातार ही उनके साथ विवाद जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक तरफ वारिस पंजाब के पुराने अधिकारियों द्वारा भी अमृतपाल पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रधान मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की ओर से भी अमृतपाल को एक सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल पंजाब के नौजवानों को बहला फुसला कर उनकी हानि करवानी चाहते हैं। अगर अमृतपाल पंजाब के लोगों के लिए और गुरु साहिबानों के लिए इतने ही संजीदा हैं, तो पाकिस्तान में हुई बेअदबी को लेकर पाकिस्तान जाकर वहां पर बदला लें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कभी जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों का कत्लेआम एक लाइन में खड़ा करके, मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद लोगों को जो खालिस्तान की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या नाम है इसका, अतिंदरपाल क्या नाम है, अमृतपाल को पूछना चाहता हूँ, अमृतपाल तू बहुत गुरु महाराज को मानने वाला है ना, दुबई से आया है ना, कनाडा से आया है ना, जब वहां पे पाकिस्तान में अगर सिखी स्वरूप का इतना तुम्हें ख्याल है, अगर नार्को टेररिज्म की पंजाब के नौजवान नशों में जा रहे हैं, तो जा पाकिस्तान जिसने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्होंने अभी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान पंजा साहब के अंदर जूते लेके अंदर चले गए फिल्म की शूटिंग करने बगैर परमिशन के, और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों के ऊपर कंप्लेंट करवाई गई, इतना बड़ा अपमान, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया। आवारा पशुओं की देखभाल करने वाली फगवाड़ा निवासी निधि वालिया की ओर से एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निधि वालिया ने जहां एसपी फगवाड़ा और प्रवासी भारतीयों पर उसे तंग परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं धरने प्रदर्शन के दौरान निधि वालिया ने इंसाफ ना मिलने के चलते अपने ऊपर तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए निधि वालिया ने कहा कि वह प्रवासी भारतीय कहने पर इसकी जमीन पर आवारा पशु रखकर इसकी देखभाल करती थी, जिसके बाद अब प्रवासी भारतीय की ओर से अब जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए कहा गया है, जिसके लिए उसने प्रवासी भारतीय से जमीन खाली करने के लिए समय मांगा, लेकिन उक्त प्रवासी ने एसपी कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करवा दी कि वह उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इस दौरान निधि वालिया ने एसपी फगवाड़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि वह इस मामले संबंधी कोर्ट में रिट दायर करेगी और इंसाफ की गुहार लगाएगी। इस धरने की सूचना मिलते ही थाना सिटी के एसएचओ अमनदीप नाहर भी मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठी निधि वालिया से बातचीत की। इस मौके पर डीएसपी फगवाड़ा ने कहा कि जल्द ही इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर मामला सुलझा दिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 15 अगस्त को ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन द प्लॉट। मैंने कहा अंकल घास बहुत हो गई थी इसलिए ये जानवर थे। कहता वेकेंड द प्लॉट। मैंने कहा सर सुबह ही लीजिए, शाम 7 बजे की बात है, सुबह मैंने 8 बजे खाली करा दिया। उसके बाद ये 22 सितंबर को मुझे मैसेज करते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में खाली करा। मैंने कहा अंकल टाइम दीजिए, हाथ जोड़े मिन्नत की पैर पड़ी कि अंकल एकदम नहीं होता, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आगे सर्दी है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतनी बड़ी बड़ी तरपाले ले रखी है, मैं कहाँ जाऊँगा। कहते मैं NRI हूँ, तू मुझे जानता नहीं, जानती नहीं। मुझे बहुत धमकाया। उसके बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं अंकल आप आइए हम बैठते हैं बात करो। उसके बाद इनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, एक मैसेज करते हैं भगवान तुझे सद्बुद्धि दे और तुझसे मुझसे कुछ गलत ना करा, मैं आपको व्हाट्सएप का मैसेज भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मुझे इनका कोई मैसेज नहीं आता। मैं इनको फिर मैसेज करती हूँ कि अंकल जगह आपकी आपकी ही रहेगी, मेरे को आपको हर्ट करने की कोई वो नहीं है इच्छा, ठीक है। और ये कह के मैं नमस्ते कह के इनको फ़ोन पे रिप्लाई बंद करती हूँ। देखो सानू ये खबर आई सी कि निधि वालिया नाम के जो शहर के वसनीक ने उन्होंने कोई कंप्लेंट हैगी, जिदे कि वो एनीमल एक्टिविस्ट भी ने ते कंजरवेटर भी ने, ते वो इत्थे एक किसी NRI बंदे दी प्रमाइसिस दे विच उन्होंने अपना उदां दी सहमति नाल पहला खोलिया होया सी उन्हां दे कहण मुताबक, ते हुण वो NRI जिहड़े हैगे आ अपनी जगह वापस चाहुंदे आ, ते इस करके इस उन्होंने कंप्लेंट इन्हां दे खिलाफ़ दित्ती सीगी, ते उहदे ते कार्रवाई जिहड़ी है वो चल रही सी, ते NRI जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं अज शाम नूं फिर बुलाया होया, उन्हां नाल बह के सारी जिहड़ी हैगी आ इन्हां दा मैटर जिहड़ा सॉर्ट आउट कर। कंप्लेंट दे तहत की प्रॉपर्टी दा कब्जा दवाया जा रहा सी वापस?
देखो कब्जा दवाना ये पुलिस का काम नहीं है ते ना सी कभी दवाया ते ना दवावांगे। अमृतसर की कचहरी में एक लड़की पर जानलेवा हमला किया गया था जिसके बाद बहुत सी अफवाहें मीडिया के माध्यम से उड़ाई गई थी। जिस लड़की पर हमला किया गया था उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लड़की अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है और खतरे से बाहर है। हालांकि जिस व्यक्ति द्वारा उस पर हमला किया गया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और रिमांड पर लेने के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं एसी सुखदेव सिंह इंचार्ज चौंकी कोर्ट कंपलैक्स मिति 4/10 नूं कचहरी दे बार बार एक करनैल सिंह आदमी ने अपनी नूं कृपाण मार दित्ती सी। वह कृपाण मारन दे नाल वह इंजर्ड हो गई। मसला यह सी एक महीना पहला 16/9/2022 नूं कनैल सिंह का बेटा सी युद्धवीर सिंह उहदा उसकी नौ मनरीत कौर ने जिहड़ा वा मर्डर कराता सीगा अपने आशिक नाल मिल के। यह इस टाइम जेल दे विच सीगी, जेल तो तरीक पेशी दे उत्ते आई तो कनैल सिंह ने जाने के अपने पुत्र दे वियोग दे विच उत्ते जिहड़ा जानलेवा हमला कर दिता। असीं तुरंत हरकत जा के उहनूं कनैल सिंह नूं उहदी कृपाण समेत उहनूं काबू कर लिया वा। उत्ते 307 दा परचा दर्ज करके हूँ पुलिस रिमांड देते वह 2 दिन का रिमांड मिले वा, कल पेश किया जाएगा। नहीं अं चले हाँ बयान लैन वास्ते चले हाँ भी उदा डॉक्टर साहब को राय लई है जी अनफिट सी तो काफ़ी सिर के कृपाणा बजिया ने तो एमरजेंसी गुरु नानक हस्पताल दाखिल तो खतरे तो फिर बाल दसते हैं तो असं हम चले हाँ स्टेटमेंट लवेंगे जो जिदा हो उस तरह कार्रवाई की जाएगी। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरे का पर्व देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके चलते फिरोजपुर में सनातन धर्म मंदिर सभा फिरोजपुर छावनी की ओर से दशहरे का त्यौहार रामबाग दशहरा ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर फिरोजपुर देहात के विधायक रजनीश दहिया और SSP फिरोजपुर सुरेंद्र लांबा ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। सुंदर झांकियों के बाद राम और रावण के युद्ध के पश्चात 50 फुट लंबे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। अज दशहरा का जो त्यौहार है वो फिरोजपुर जिले के फिरोजपुर शहरी हल्के देहाती हल्के दे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। अज दशहरे के उत्ते मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बुराई भावें जिनी मर्जी वड्डी होवे, जिनी मर्जी लंबी होवे और जिनी मर्जी शक्तिशाली होवे, बुराई का अंत होना बिल्कुल सुनिश्चित है और युगा युगा तो यह मिसाल चली आ रही है। भगवान श्री राम जी ने बुराई के उत्ते अच्छाई की जीत, बेदी के उत्ते जी नेकी की जीत, यह सुनेहा यह मानवता इंसानियत को दिता है और मैं अज इस पवित्र मौके के उत्ते मैं समूह संगत को सारियां यही बेनती करता कि आप सच दे चलीए। सच तंग जरूर हो सकता है लेकिन सच कदे मर नहीं सकता। बुराई जो है कितनी भी शक्तिशाली बड़ी और कितनी भी गहरी हो, कितनी भी लंबी चली आ रही हो, उस पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित है। मैं इस पावन दिन पे सभी से विनती करना चाहूँगा कि सभी अच्छाई की राह पे चलें और अच्छाई की राह पे चलते हुए जीवन में सक्सेस हासिल करें। मेरी ओर से सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी का जीवन सुखमय और अच्छा हो, आपको बहुत शुभकामनाएं। सब डिवीज़न पावरकॉम कार्यालय बस्तियात और पटेल चौक में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल लंगर लगाया गया, जिसमें वेस्ट डिवीज़न के एक्सियन सन्नी टांगरा और सभी SDO JE टेक्निकल स्टाफ सहित कई सारे गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मॉडल टाउन टेक्निकल सर्विसेज यूनियन के प्रधान प्रद्युम्न शर्मा, मुनीश ठाकुर, सोमराज, अमर कुमार, रविपाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। आज बिजली बोर्ड दर्शनगढ़ विच जो सोमराज गिल जी वालों हर साल की तरह धूमधाम मनाया लंगर लगया जाता वा, इन्हें समुची टीम वालों
मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद इन्हों का करदा कि हर वाली बड़ा बहुत बड़ा उपराला करते हैं। तो मेरे देश विदेश बैठे बैठे साथियों मैं एको अपील करता वा कि बड़ी धूमधाम नाल प्रगट दिवस मनाया जाए और हर घर में रोशनी की जाए। मैं फिर तो इन्हें टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दिना वा सोमराज गिल जी का, इन्हें समुची टीम का, बिजली बोर्ड का दिलों धन्यवाद। जय भीम जय भारत। अज इस महान शख्सियत महर्षि श्री वाल्मीकि जी दे प्रकाश पुरब के समर्पित PSPCL बस्तियां सब डिवीजन के पटेल चौंक सब डिवीजन की समूह टीम वालों इस प्रकाश पुरब मनाउंदिया होया अज लंगर की व्यवस्था इस दफ्तर के वलों सारे स्टाफ वालों की गई आ, ते जिन्हां दे विच मेन भूमिका साढ़े श्री सोमराज जी निभा रहे ने। मैं अगे भी गल करदा हुंदा वी हर बंदा इस चीज़ का सिरा नहीं लैंदा जां इन्नी हिम्मत नहीं करदा, इह कोई बंदा हुंदा जिहड़ा हिम्मत करके ते सारे नाल जोड़ के ते करदा। कहण नूं गल्लां ते बड़े कर दिंदे वी असीं करना अरेंज, पर बहुत वधिया मैं ते धन्नवाद करदा इहनां दा वी इसे तरह ही है, संगत सारी नूं जोड़ के पूरे स्टाफ नूं इस तरह कोई ना कोई साल च एक दी जगह दो वी इदां दे उपराले कीते जाण वी चलो जिहदे नाल आपां लोक भलाई दे कम कर सकीए। हर साल दी तरह महर्षि वाल्मीकि जी दा त्यौहार जिहड़ा कि सोमराज जी साडे प्रधान टैक्नीकल सर्विस यूनियन बड़ी धूमधाम नाल अपने साथियों समेत इकट्ठे होकर मनाते हैं और मैं हर साल ही इत्थे आना और बड़ा मज़ा आता है कि सब तो पहला फंक्शन असी करीदा ये लंगर जिहड़ा अज शुरू किया गया ये महाराज जी का प्रसाद है। मैं ये भी कहांगा कि हर साथी प्रसाद जरूर लैके जाओ, असं यही चाहते हैं कि साढ़े से मेहर भरे हाथ रखन महाराज, जिदा साडा खतरिया भरी नौकरी है इन सही तरीके नाल असी हर बार पाठ भी नवे साल से कराईदा है, महाराज का प्रकाश पुरब भी मनाईदा है। सारे नू जय वाल्मीकि जी, हर वर वाल्मीकि जी। सो अज पंजाब स्टेट कारपोरेशन वालों इत्थे एक लंगर लगाया गया बाबा जी का, तो उहदे विच असी सानू सारे नू बुलाया गया है, तो सोमा भाजी होना दा इन्हां दी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सानू इत्थे उपस्थित होने का मौका दिता, तो इत्थे अपनी जो सेवा करन का मौका दिता जी, इन्ना कहिंदे सारा धन्यवाद करते हैं। जय वाल्मीकि, हर वर वाल्मीकि। नवरात्रि की पूजा अर्चना के बाद बठिंडा में दशहरा पर्व पर पूरी धूम रही। शहर में 5 जगहों पर दशहरा पर्व के मेले में जन सैलाब उमड़ा। दशहरा मेले के मद्देनजर 2000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमों की ड्यूटी लगाई गई और साथ ही बड़े आयोजन स्थलों के एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। इसी के तहत श्री सनातन धर्म महावीर दल की ओर से हनुमान चौक स्थित MSD स्कूल के विशाल मैदान में दशहरा उत्सव मनाया गया, जिसमें विशेष मेहमान ADGP डॉक्टर जितेंद्र जैन, SSP बठिंडा ने पूजन कर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का रिमोट के साथ दहन किया। इसी प्रकार श्री सनातन धर्म सभा ने अमरीक सिंह रोड स्थित SSD गर्ल्स कॉलेज के मैदान में दशहरा मना, जिसमें विशेष मेहमान शहर के विधायक जगरूप सिंह गिल, पंजाब ट्रेड के चेयरमैन अनिल ठाकुर, आप पार्टी के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी अनिल गर्ग ने मंत्रोच्चारण के साथ पुतलों का तिलक व पूजन करवाने के बाद अग्नि दिखाई। इसी तरह रेलवे ब्राह्मण क्लब की ओर से मनाए गए दशहरा मेले के दौरान रेलवे खेल मैदान में भारी भीड़ उमड़ी। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। महामाया मंदिर जालंधर कैंट में नवमी के अवसर पर डांडिया सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मोहल्ला नंबर 15 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिमा शर्मा द्वारा की गई। इस मौके पर महिलाओं ने डांडिया खेलकर खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर चंद्र शर्मा ने मां भगवती की पूजा करने के उपरांत इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सरिता गोयल, रितु शर्मा, रिचा, दीक्षा, रेणु सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज हम सब 15 नंबर मोहल्ले में महामाया मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष में आज हमने डांडिया उत्सव रखा है, जिसमें मेरी ये सब महिलाओं ने हमारा साथ दिया है। मैं इन सब महिलाओं की बहुत बहुत आभारी हूँ जो इतने कम समय में हमारे साथ आई हैं और हमारा योगदान दिया है। इन सब महिलाओं के लिए मैं
बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये डांडिया का उत्सव हर साल हर नवरात्रि में इसी तरह से यही पर बनाया जाए। मुझे आप सब महिलाओं से यही कामना है और मैं आगे के लिए यही चाहती हूँ। शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड चालंदर की ओर से दशहरा पर्व का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुंदर झांकियां भी सजाई गई। इस अवसर पर दूर दूर से लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कत्याल, अजय नारंग, हैप्पी बाबा, मास्टर हरिचंद, राजेश अंगुराल, राजेश मनचंदा, राजेंद्र अग्निहोत्री, दिलजोत, गुरुदेव अंगुराल सहित अन्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। श्री राम लीला कमेटी की ओर से दशहरा ग्राउंड जालंधर कैंट में दशहरा पर्व मनाया गया। ये दशहरा पर्व 50,000 लोगों की भीड़ में रात्रि 9 बजे तक चला। इस महाउत्सव में संतूर स्कूल के बच्चों ने रामायण का मंचन किया, जिसे खूब सराहा गया। ये मंचन मैडम राजवीर कौर और उमा द्वारा करवाया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल, लवली ग्रुप की वाइस चांसलर रश्मि मित्तल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि आप पार्टी के इंचार्ज राजेंद्र सिंह सोडी और हरविंदर सिंह पप्पू विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। की ओर से आई हुई सभी संगत का बहुत बहुत तहे दिल दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में विशेष तौर पर लवली ग्रुप के श्री अशोक मित्तल जी सहपरिवार हमारे बीच में आए हैं। हम रामलीला कमेटी की ओर से उनका और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कि हर साल की तरह इस साल भी दशहरा ग्राउंड के अंदर दशहरा मनाया गया वै उहदे विच बहुत अच्छा संदूर जो कि स्कूल उन्होंने बच्चे बहुत तगड़ा जो कि दृश्य दिखा रहे हैं। असी इन्हों और इन्होंने जो मैडम नाल है इन्हों संदूर जड़े स्कूल उन्होंने लख लख बधाई दें। और जो ये प्रोग्राम पहली बारी है जो कि रात को 9 बजे तक चल रहा है। अज इस उपलक्ष्य के उत्ते मेरा 200 बच्चा पार्टीसीपेट कर रहा है। ये पिछे मैं अपना सारा क्रैडिट देवगी अपनी मैनेजमेंट को, अपने मैनेजमेंट के चेयरमैन श्री निखिल गुप्ता जी को, जिन्हों का अंथक प्रयास अंथक सपोर्ट मेरे नाल हमेशा रहा। सो मेरे बच्चे अज मॉरल वैल्यूज़ को लैके अज जिहड़ा प्ले प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछले 2 महीने के अंथक प्रयास को स्टेज पर लियाए ने। प्राचीन शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस दौरान मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि इस मंदिर में पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार माँ बंगलामुखी जी और धूमावती माता जी का हवन किया जा रहा है, जिसमें कई भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहाँ विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। इस अवसर पर विक्की विज, बब्बा अंगुराल, अमित गुजराल, प्रकाश दीप सिंह, शिव अजय नारंग, राजेश मनचंदा, वरुण तनेजा, सुमित चावला, राकेश अंगुराल, संजय कक्कड़, रॉकी खन्ना, वीरेश चुग, शौर्य विच, केशव कत्याल, गीतिका कत्याल, एम्पल जी, शिखा वर्मा, पूनम दीप, गीता चुग, दिया ठाकुर, गीता, रमा जयरथ, मीनू हुरिया, प्रांशी विज सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। इफेक्ट द फैशन हब राधे कृष्णा ज्वेलर के मालिक राधा कृष्ण चड्डा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री गीता मंदिर आदर्श नगर जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राधा कृष्ण चड्डा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी सुधा चड्डा, बेटे हरीश चड्डा, मोनिका चड्डा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राधा कृष्ण चड्डा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बंदा बीमारी ना की इना मरेगा, इना के पंडता दे ज्योतिषियों ने अंधविश्वास के आन के अपने जीवन को
ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਪੁੱਛੀ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਲਏਗਾ ਅਹੰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੀ ਵਸੇ ਮਸ਼ਕੀ ਮੀਆਂ ਆਜ ਬਨਵਾਰੀ ਤਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਨਸ਼ਟ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂਆਂ ਚਾਲੀ ਯਾਦ ਦੋਸਤ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਚਲੋ ਆਸ਼੍ਰੇਣਮ ਸਹਸਤ੍ਰ ਯੱਗ ਪੁਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ दुर्गा माता मंदिर नजदीक जगराओं पुल लुधियाना में आयोजित पावन नवरात्र महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। नवरात्र महोत्सव के समापन पर चौकी का आयोजन किया गया। चौकी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने ज्योति प्रज्वलित कर चौकी का शुभारंभ किया। श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने श्री विज का स्वागत किया। इसके अलावा ब्रिज किशोर अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। चौकी में कन्हैया चंचल एंड पार्टी ने मधुर भजनों के साथ माँ का गुणगान किया। इस मौके पर श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट के सीनियर उप चेयरमैन वरिंदर मित्तल, सचिव अश्विनी जैन, राजीव मित्तल, तरुण गोयल, भूपेंद्र रॉकी, जितेंद्र गोयल, रजनीश सिंगला, सोनू अंबुजेश शर्मा, श्रुति सौरभ गुप्ता सहित कई भक्तजन मौजूद हुए। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। पंजाब के शहर जिन्होंने जब कंबल बनाए तो दुनिया में नंबर वन बनाए, फिर देवी तलाव मंदिर का कार्य भव्य शोभा यात्रा नंदन में निकाली, उसके बाद डेहरी सवेरा अखबार निकाला और अब डी एस केबल नेटवर्क बनाकर मंदिर का सारा कार्यक्रम आरती से लेकर सभी कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट इनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं। हम शीतल मेडी जी का और डेहरी सवेरा ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दुर्गा माता मंदिर कितना लुधियाना कमेटी मंदिर सारे साथियों का सेवा का बहुत होगा।
जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से ही इनके विधायक जोश में दिखाई दे रहे हैं। अगर नाभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देवमान की बात की जाए तो वह लगातार नाभा शहर को सुंदर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इलाका विधायक का सपना है कि नाभा शहर को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिसको लेकर नाभा के विरासती जिले की सुंदरता बढ़ाने के लिए विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने खुद बीड़ा उठाया है। इस दौरान विधायक खुद ही विरासती दीवारों पर लाल रंग करते हुए दिखाई दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नाभा शहर राजाओं का शहर है और उसे सुंदर बनाना हमारा फर्ज है और आने वाले समय में पंजाब में ही नहीं पूरे देश में नाभा 10 शहरों में से सुंदरता की मिसाल पेश करेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नाभा हलके के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण किले खंडरों का रूप धारण कर गए हैं, लेकिन वह इस किले को खंडर नहीं होने देंगे। इसकी दीवारों पर पेंटिंग करने के अलावा लाइटों का प्रबंध कर सेल्फी पॉइंट का नाम दिया जाएगा ताकि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पुराना किला है जी नाभा शहर की शान, और बहुत दूरों दूरों इस किले को देखने आते थे पहले लोग, क्योंकि नाभा रियासती शहर है, महाराजा हीरा सिंह ते महाराजा रमन सिंह का वसाया शहर है जी। पर पिछलियां सरकारां दी नलायकियां करके ये खंडर बन गया सी जी। हुण असी दोबारा आ जिहड़ा इधरला पॉइंट आ इत्थे असी सैल्फी पॉइंट बना रहे हैं जी। साड़ी नगर कौंसल नाभा की सारी टीम पेंट करन तो बाद और इत्थे असीं दीवारां ते स्लोगन लिखांगे, झंडा लगेगा जी अपने देश का, तिरंगा झंडा लावांगे दे उपर, और इत्थे थले पूरा प्रॉपर घा वगैरह ला के लॉक जिहड़ी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है जी, जिन्ना वध सोहना लग सकदा जी। मैं एक गल कहनी चाहुंदा, इत्थे इन्ना कूड़ा हुंदा सी, इन्ना कूड़ा हुंदा सी, लोक ऐ कपड़ा मूँह ते रख के लंघदे हुंदे सी। इत्थे हुण साड़ी नगर कौंसल नाभा की टीम और सब दे उदम सदका हुण इहनूं असीं एक जिहड़ा जी सैल्फी स्पॉट बना रहे हां। ये इत्थे हुण फोटोआं खिचाया करनगे, इत्थे बह के जाया करनगे लोक, जाने के ये बहुत वड्डा परिवर्तन जिहड़ा नाभा शहर दे विच देखण नूं मिलेगा। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में फरीदकोट की दशहरा कमेटी की ओर से दशहरा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार सहित शिरकत की। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदित सिंह सेखो, डॉक्टर रूही दुग, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी राजपाल सिंह सिद्धू, पूर्व सांसद साधु सिंह द्वारा ज्योति प्रचंड कर दशहरा मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर बाहर से पहुंचे कलाकारों की ओर से भांगड़ा के अलावा कई तरह के प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर दशहरा कमेटी की ओर से शहर की महान हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के आखिर में रामलीला कलाकारों का दशहरा कमेटी और प्रबंधकों की ओर से फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को अग्नि भेंट किया गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की, और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के गांव महस में नशे की वजह से एक नौजवान की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने नशे को रोकने के लिए सरकार से लगाई गुहार। बठिंडा के धोबियाना बस्ती में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का मिला शव, एक सिरिंज हुई बरामद। होशियारपुर के गांव हरसी के एक परिवार को अमेरिका में कुछ लोगों द्वारा किया गया था अगवा, बच्ची सहित चारों सदस्यों की हुई मौत। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।